अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरम भट्ट और आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़ चैनल। दिन भर की स्पोर्ट्स से रिलेटेड अहम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। बढ़ते हैं पहली अहम खबर की तरफ। उम्र को नहीं, फॉर्म और फिटनेस को देखा जाए, ये कहना था शोएब मलिक साहब का। शोएब मलिक साहब पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान जीता था उसके भी एक अहम खिलाड़ी थे, जिसमें उन्होंने बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखाई। शोएब मलिक साहब का कहना था कि बेशक मेरी उम्र 40+ हो चुकी है, लेकिन मेरी फॉर्म और फिटनेस को देखा जाए, उम्र जो है एज इज़ जस्ट अ नंबर। और कोई भी खिलाड़ी, वो बेशक कोई बड़ी उम्र का हो या छोटी उम्र का, मेहनत दोनों करते हैं। और उनका एक ख्वाब है, उनका ये भी कहना था कि मैं पाकिस्तान को इस T20 वर्ल्ड कप में सर्व करूं, और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है पिछले 20-22 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है वो अपने नौजवान क्रिकेटर्स के साथ शेयर करूँ, ताकि हम जो हैं ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर सकें। और उनका ये भी साथ साथ कहना था कि फिटनेस का मियार जो है उन्होंने डे बाई डे इंक्रीज़ किया है, और वो अपनी फिटनेस पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत उनकी T20 लीग्स की परफॉर्मेंसेज हैं। और अगर यही मियार है जिन लोगों को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उनकी फिटनेस को उनके फिटनेस का मियार का मुझे भी पता है, और अगर स्टैंडर्ड्स यही रखने हैं तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। PCB का PSL 6 का फाइनल 24 जून को करवाने का फैसला दुबई के अंदर, और ये फैसला बहुत ही अहम है क्योंकि PSL 6 जो था कोरोना की वजह से डिले कर दिया गया था, और पाकिस्तान के जो कोविड के हालात थे, कोरोना के जो हालात थे वो बहुत ही बदतर हो गए थे, केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, और फिर इस वजह से PSL को डिले कर दिया गया। लेकिन अब जो है जो शेड्यूल आया है, कल या परसों से मैचेस रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगे, और जितने भी फ्रेंचाइज़ के प्लेयर हैं, जितने भी फ्रेंचाइज़ के मैनेजमेंट है, वो सारे वहाँ पहुँच चुके हैं, और 24 जून को इसका फाइनल खेला जाएगा। याद रहे कि जो पाकिस्तान में जो हालात थे उन हालात के पेशरफ्त ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान जो सुपर लीग का जो 6 का जो फाइनल है, जो बाकी रिमेनिंग मैचेस हैं, वो दुबई और अबूधाबी में कराए जाएंगे। और इसमें क्रेडिट जाता है अबूधाबी की गवर्नमेंट को भी कि उन्होंने ये इनिशिएटिव जो था उसको सपोर्ट किया। तो आई होप के PSL 6 खैर आफियत से अपने अख्तितामी मराहल में पहुँचे। अब बढ़ते हैं तीसरी अहम खबर की तरफ, जो कि रिलेटेड है कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से। कल हमने आपको बताया था कि उनकी मंगनी हो गई है, और उनके जो चचाजाद उनकी कज़न है उनसे उनका रिश्ता तय आ गया, लेकिन उनके अहले खाना ने आज बयान दिया है, और उनके अहले खाना ने कहा है कि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, उनकी किसी से अभी तक कोई बात पक्की भी नहीं हुई, ना कोई मंगनी हुई है, और ये लोगों ने झूठ बांधा है अपने पास से। और उनका ये भी कहना था कि अगर बाबर आजम ऐसा कोई फैसला करेंगे तो हमें उसमें अपने साथ कॉन्फिडेंस में लेंगे, और अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो बाबर आजम है वो इस वक्त PSL 6 की तैयारियों में हैं, और उनका ऐसा भी कोई, हमने ऐसी कोई रस्म रिवाज अभी कोई किया भी नहीं, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त हमारे साथ हैं ही नहीं। वो इस वक्त पहले वो टूर पे थे, फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो आए, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी PSL 6 के लिए। तो ये सारी अपने पास से लोगों की बनाई हुई बातें हैं, और इसमें कोई सदाकत नहीं। यह थी आज की स्पोर्ट्स से रिलेटेड अहम तरीन खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके प्यारे दिन भर की अहम तरीन स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरों से आगाह हो सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले स्पोर्ट्स बुलेटिन में।